नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। करनाल के गांव मुनक में नए थाने का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि करनाल के पुलिस महानिरीक्षक भारती अरोड़ा द्वारा मुनक थाना का विधिवत शुभारंभ किया गया। थाना मुनक का थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। थाना मुनक में कुल 20 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस मौके पर भारती अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुनक पहले थाना घरोंडा के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी थी, आज से इसको थाने के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इस थाना क्षेत्र में थाना घरोंडा, थाना असंत व थाना निसिंग के गांवों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि थाने में केवल शिकायतें ही नहीं दी जा सकती, इसके अलावा भी काफी सेवाएं हैं। यहाँ पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कोई कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट व चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र के लोगों को अपने गांव से दूर थानों में जाना पड़ता था और उनका कीमती समय बर्बाद होता था। भारती अरोड़ा ने लोगों से कहा कि हमारा इरादा जन सेवा का है, हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को पुलिस की कम से कम आवश्यकता पड़े। इस संबंध में समाज की भागीदारी भी जरूरी है, आपस में भाईचारा बनाकर रखें ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और थाने में आने की कम से कम जरूरत पड़े। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक करनाल सुरेंद्र सिंह भोरिया भी मौजूद रहे। इसके अलावा बख्शीश सिंह, पूर्व विधायक हल्का असंत, सरदार गुलाब सिंह चेयरमैन मार्केट कमेटी असंत, हवा सिंह सरपंच गांव मुनक व थाना क्षेत्र में आने वाले गांवों के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। थाना नोटिफिकेशन हो गया है, जांगड़ा सभा ने ये बिल्डिंग हमें दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इसमें अभी टेम्प्ररी थाना चल रहा है, उसके बाद लैंड भी अलॉट हो जाएगी और नया पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग भी आ जाएगी। तो थाने में कई तरह की सुविधाएं, वेरिफिकेशंस होती हैं जो कि पब्लिक के लिए आसान हो जाएगी, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास आके ही उनको सारी सुविधाएँ मिल सकती हैं। मैडम, नशे की बात की है आपने अपने संबोधन में, चलिए अवैध बिक्री की बात एक अलग है, लेकिन जो शराब के ठेके हैं उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, 24 घंटे आप कभी भी उनसे मतलब कि उनसे शराब ली जा सकती है, ऐसे में उन पर सख्ती क्यों नहीं होती? शराब को देखने के लिए पूरा डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है और इनके टाइमिंग्स भी होते हैं। 24 घंटे तो कोई भी ठेका खुलने का टाइम नहीं होता, टाइम मेरे ख्याल से 11 या 12 बजे तक टाइमिंग्स फिक्स है, उसी हिसाब से उनको चलना होता है। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनके चलाना चाहिए ठीक टाइम। मैम, जैसा कि आपने कहा कि नशा मुक्त जो है हमें अपने शहर और देश को बनाना है, करनाल शहर की अगर हम बात करें, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पता है कि वहां पर जो है नशे की बिक्री होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी डरते हैं उसके बारे में कंप्लेन करने में, क्योंकि गुंडा राज वहां पर चल रहा है या लोगों को पहले धमकाया गया है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से पुलिस जो है उस तरफ भी जरूर कोई एक्शन लेगी? पुलिस ने एक स्पेशल अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्त करने के लिए समाज को, जिसमें जो नशा ले रहे हैं बच्चे लड़के उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ करेक्टिव अप्रोच, एक सिंपैथेटिक अप्रोच लेते हुए उनको नशा मुक्त करवाना है, प्लस जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लायर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। इस पर हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है और समाज की साथ लेने की बहुत हमें आवश्यकता है, समाज को साथ लेके ये काम किया जा सकता है, बिना समाज के सहयोग के नशा मुक्त करना। व्हीकल मॉडिफिकेशन जो है इलीगल तरीके से वो काफ़ी बढ़ गई है, चाहे छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, इनमें इलीगल तरीके से मॉडिफिकेशन की जाती है। अब आपका थाना खुल गया है, वो सारा काम करेंगे, एसएचओ साहब बैठे हैं, ही विल टेक केयर ऑफ। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, करनाल पुलिस कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में, हाई प्रोफाइल मामला गैंग रेप का, अभी तक 4 महीने से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो पीड़ित परिवार है या जो उसके जो दूसरे हैं वो आज सड़कों पर है, क्या कहें? देखिए, इन्वेस्टिगेशन पहले की जाती है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकलता है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं होता कि मुकदमा आज दर्ज हुआ और तुरंत गिरफ्तार कर लो और बाद में इन्वेस्टिगेशन करो। कल को सोचो, आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज करा सकता है, झूठा कर अगर कोई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दे, और तो क्या आप नहीं चाहोगे कि पहले उसकी ठीक तरीके से तफ्तीश की जाए? पहले तफ्तीश होनी चाहिए, उसके बाद ही जो आगे कार्रवाई। नहीं, ऐसा नहीं है, एसपी करनाल का खुद ही रिक्वेस्ट आई थी कि इस केस को, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल, ज्योति गार्डन।
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.